नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने डेली के राशिफल में। दोस्तों, आप में से कई मित्रों ने मुझसे मैसेज करके कहा और कमेंट करके कहा कि डेली राशिफल जो हम बनाते हैं, रोज का राशिफल जो हम लोग बनाते हैं, उसको और हम लंबा करें और हम उसको डिटेल में करें। हालांकि समय की कमी होने के कारण मैं उसको लंबा नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आज से मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा लंबा रहे, आपके सभी पहलुओं पर मैं काम कर पाऊं, लेकिन इसमें आपकी जो सहायता है वो भी वांछनीय है। आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए, जिससे जो मैं मेहनत करता हूं, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय जो है वो लग जाता है। तो चलिए फिर आज से थोड़ा स्नेहा करते हैं और हर एक पहलू को कोशिश करेंगे छूने की। वीडियो लंबा जरूर होगा, आपको मेरे साथ यहाँ पर कॉर्पोरेट करना पड़ेगा। मेष राशि की बात कर लेते हैं। आपको चाहिए कि 20 तारीख के दिन, 20 जुलाई के दिन आपको अपने शेड्यूलिंग करने की जरूरत है। पहले मैं स्वास्थ्य और कल्याण की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। आपको चाहिए कि आप जंक फूड आपको कल अट्रैक्ट करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो मन की स्थिति है, आप इस लालच से कहीं ना कहीं बाहर आ पाएंगे और कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य के ऊपर कल आप फोकस करते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर मैं कैरियर की यहाँ पर थोड़ी सी बात अगर करूँ, तो आपका धैर्य, आपकी जिम्मेदारी, आपकी सारी बाधाओं को दूर करती हुई यहाँ दिखाई मुझे दे रही है। वहीं आपके अंदर जो क्षमता है वो काफ़ी अच्छा कल प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं आपका जो माहौल है, एक अच्छे माहौल का निर्माण आप करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आप अपने कामों को बहुत ही अच्छे तरीके से कल करते हुए दिखाई मुझे दे रहे हैं। कोई सडन गेन आपको कल होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं आपके पूरी मेहनत जो आपने कल की है, मतलब 20 जुलाई के दिन जो आप करेंगे, वो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आपको आता हुआ दिखाई मुझे दे रहा है। वहीं अगर मैं प्यार और मोहब्बत की बात करूं, तो आपको सहानुभूति मिलती हुई दिखाई देगी। आपने जो गलतियां की हैं वो आप अच्छे से मानते हुए दिखाई देंगे और जो लोग किसी संबंध में हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं, वो एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय व्यतीत करते हुए कल मुझे दिखाई देंगे। अपनी जो टेंशन्स आपकी चल रही हैं, कहीं ना कहीं वो आप दोनों मिलके बैठ के बात करेंगे और उन चीजों को वो आप कल सॉर्ट आउट करते हुए दिखाई मुझे देंगे। दिन कुल मिलाकर अगर देखूं तो काफी अच्छा रहेगा, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, घरेलू खुशियां आपको मिलते हुए दिखाई देंगी। आगे बढ़ते हैं, वृषभ राशि की बात करेंगे। वृषभ राशि वालों का जो है दिन कल कैसा रहने वाला है? भावात्मक रहेंगे, थोड़ा सा वित्तीय मतलब कि फाइनेंशियल लॉस थोड़ा सा होता हुआ मुझे दिखाई कल दे रहा है, तो इसलिए आपको ये चाहिए कि, और आप इस चीज़ से आसानी से बच भी सकते हैं, मैं आपको बताऊं, ऐसी कोई प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है कि आप कुछ ज़्यादा ही दूसरों के कामों में इंक्लूड होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आपके बढ़ रही हैं। और अपनी चीज़ों को ज़्यादा महत्ता दें कल तो बेहतर रहेगा, रादर देन कि आप दूसरों की चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर लें, अपने ऊपर उनको ले लें, तो वो चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं रहेगी। वहीं अगर मैं स्वास्थ्य की आपके बारे में बात करूं, तो कहीं ना कहीं अच्छा स्वास्थ्य आपका रहेगा, लेकिन आपको चाहिए कि त्वचा रोग जो होते हैं उनसे आपको थोड़ा सा बचकर चलने की स्थिति मैं कहूंगा कि आपको रखनी चाहिए, नहीं तो त्वचा से रिलेटेड एलर्जी जैसी चीज़ें आपको कल परेशान मुझे लगता है कि कर सकती हैं। कील मुहासे आपको परेशान कर सकते हैं, फेस पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी उभर सकती हैं। वहीं अगर प्यार और मोहब्बत की अगर बात करूं, तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं अपने लव एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस तरह से साथ उनका नहीं दे पा रहे हैं जिस तरह से आप पहले दे रहे थे। अभी जो स्थिति चल रही है, बहुत ज़्यादा काम में बिजी चल रहे हैं, इस वजह से चीज़ों पे उस तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं।
घर जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा, अपने साथी के साथ बैठकर खाना खाने की कोशिश कीजिएगा, कैंडल लाइट डिनर पर अगर आप ले जाना चाहें तो उन्हें ले जा सकते हैं। प्यार चारों तरफ फैला है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कहीं ना कहीं स्थिति उस तरह से नहीं चल रही। अपनी बातों को साझा करें उनके साथ तो बेहतर रहेगा, और कहीं ना कहीं अगर आप दूर रहते हैं तो कम से कम फ़ोन पे तो बात उनसे कर ही सकते हैं। कल अगर कैरियर की बात करूं तो आप अपनी बातों को बहुत अच्छे रंग से रखेंगे, आपका प्रेजेंटेशन काफ़ी कल अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके विरोधी हैं वो आपकी प्रेजेंटेशन को ख़राब करने की कोशिश कल कर सकते हैं। लेकिन आपको चाहिए कि आप अपनी बातों को, जो सीक्रेट बातें हैं, उनको आप अपने अंदर रखें और शांत बने रहें। आप देखेंगे कि स्थिति आपके हक में काफ़ी हद तक आ जाएगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, कि मिथुन राशि वालों का कल का दिन जो है वो कैसा रहने वाला है। कल बातचीत करते समय बहुत ध्यान और समझने की ज़रूरत आपको रहेगी। कोई विरोधी आपकी कोई ऐसे राज आपके उगल सकता है जिससे आपको आगे चलकर परेशानी हो, तो अपनी बातों को ज़्यादा किसी के साथ शेयर ना करें और कोशिश यही करें कि स्थितियां आपके कंट्रोल में ही रहें, ज़्यादा आपके कंट्रोल से बाहर ना ही जाएं तो बेहतर आपके लिए रहने वाला है। और कोशिश आपको यही करना है कि यात्राएं अगर आपकी हो रही हैं तो कुछ नए लोगों से मुलाकात ना करें, हालांकि कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात आपकी होती भी मुझे दिखाई दे रही है। वहीं अगर तो आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो काफ़ी अच्छा स्वास्थ्य आपका रहेगा, काफ़ी एनर्जेटिक आप महसूस करेंगे और उससे आपके जो काम हैं वो जल्दी ख़त्म भी होते हुए दिखाई देंगे। जो काम आपके अटके हुए थे वो भी आपकी एनर्जेटिक नेचर की वजह से कल आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप जिम ज्वाइन करने की सोच रहे थे तो आप जिम को ज्वाइन मेरे हिसाब से कल आप कर सकते हैं। दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा स्वास्थ्य के वास्ते अगर मैं देखूं तो। अब मिथुन राशि वालों के प्यार और मोहब्बत के बारे में बात कर लेते हैं। प्यार भरा माहौल जो है बना रहेगा, विशेष योजना बनाकर आप उन्हें सरप्राइज भी दे सकते हैं, लव बर्ड्स के लिए बात कर रहा हूँ। संबंध अच्छा रहेगा और आप किसी करिश्माई तरीके से उन्हें कोई सरप्राइज अच्छा सा दे सकते हैं। शाम को खासतौर से आप किसी पार्टी इत्यादि में जा सकते हैं और कुछ प्राइवेट मोमेंट्स को का भी आनंद आप ले सकते हैं। आप एकांत चाहते हैं, एकांत चाह के आप उनसे बात करना चाहते हैं, अपने प्यार का इजहार आप करना चाहते हैं। मुलाकात आपकी कल होती भी दिखाई मुझे दे रही है। वहीं अगर कैरियर के बारे में बात करूं तो जो पुराने काम थे आपके उनको करने का समय अब मेरे हिसाब से आ चुका है। आपको चाहिए कि आप उन सभी पेंडिंग काम को बहुत भली भांति करें और उनको ख़त्म करें, और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा शीघ्रता यानी कि क्विकनेस यानी कि आपको बहुत जल्दी उन्हें ख़त्म करना है, क्योंकि नया जो कॉम्पिटिशन है वो आपको आपके जूनियर से देखने को मिल रहा है। तो आपको चाहिए कि आप इन सब चीज़ों को बहुत भली भांति करें जिससे स्थितियां और आपके करीब आएँ और आप आनंद जो है वो कर पाएँ। तो ये स्थिति कल मिथुन राशि वालों आपकी रहने वाली है। अब हम कर्क राशि की बात करूंगा, उससे पहले फिर आपको याद दिला दूंगा कि भैया आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, और मुझे ये ज़रूर बता देना कि ये जो तरीका मैंने अपनाया है ये मतलब आपको कैसा लग रहा है। कर्क राशि की बात कर लेते हैं तो पिछले कुछ समय में कुछ गुस्से में आके कल आप कुछ फैसले लेने की प्रयास करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये कहूँगा कि योजना बनाकर किसी एक्सपर्ट की सहायता लेकर आप बात करेंगे तो आपका ये जो आवेश में आके जो आप डिसीजन ले रहे थे, गुस्से में आके डिसीजन ले रहे थे, ये आपका इसमें मॉडिफिकेशन होता हुआ दिखाई देगा और आप नियोजित तरीके से आप अच्छा डिसीजन कर ले पाएंगे। डिसीजन लेने के लिए आपको एक्सपर्ट की सलाह मैं कहूँगा आपको ले लेनी चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा एक संकेत मैं मानूंगा कि रहेगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं और तो बहुत बढ़िया डिसीजन आप लोग ले पाएंगे। वहीं स्वास्थ्य के बारे में बात कर लूँ तो कुछ साहसिक कदम उठाने के लिए तो ठीक है, दिन काफ़ी अच्छा है, आपका एनर्जेटिक काफ़ी रहेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं उन अवसरों को आप ना चूक जाएं, तो एक फोकस की ज़रूरत आपको रहने वाली है।
तो वो फोकस लाने के लिए आपको किसी विश्वास पात्र से आपको बात करनी पड़ेगी, और वो विश्वास पात्र ही आपको बहुत अच्छे से, जो उस चीज़ का मास्टर हो, उससे आप बात करें, जिससे आपको आगे चल कर मायूसी ना हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस और स्वास्थ्य दोनों काफ़ी अच्छे दिखा रहे हैं। अब हम प्यार की बात कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको बहुत प्यार करे, तो आपको चाहिए कि आपके सानिध्य में जो भी आए, चाहे वो कोई बच्चा ही क्यों ना हो, वो आपके साथ असुरक्षित ना मैच्योर करे और एक तरफा प्यार को वो ना दिखाए। तो कल इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिसके साथ भी आप डेट पे जा रहे हैं, उसके साथ प्यार बहुत अच्छे से करें, कोई भी लगी लिपटी बात कुछ ना करें तो बेहतर रहेगा, और अपनी जो प्राइवेट बातें हैं उनको सिर्फ अपने तक ही सीमित रखें, उसको किसी के साथ ज़्यादा शेयर ना करें, नहीं तो ये मुश्किल का सबब बन सकता है और कहीं ना कहीं स्थिति आपके विरुद्ध भी जा सकती है। कुल मिलाकर जो प्यार का दिन है वो थोड़ा सा आपके लिए, मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इवन और ऑड की स्थिति दिखा रहा है। अब हम कैरियर के बारे में बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं से जो रुका हुआ धन था, कोई सडन गेन आपको कल हो सकता है, धन की प्राप्ति हो सकती है, और ऐसे धन की प्राप्ति कल आपकी हो सकती है जिसके बारे में आपने सोचना जो है वो छोड़ दिया था। वहीं जो काम आपके रुके पड़े थे, जो बिल्कुल जो चीज़ें ठप हो गई थी, उसमें वहाँ से कुछ अच्छे पॉजिटिव आपको मिल सकते हैं। और अगर आपने किसी को पैसे दे दिए थे और आप बिल्कुल पैसों के मामले में भूल गए थे कि भैया ये तो पैसे मेरे आज आने वाले हैं नहीं, तो वहाँ से भी आपको अच्छे परिणाम मुझे लगता है आपको प्राप्त होते हुए दिखाई आपको देंगे। तो ये हुई आपकी बात। अब हम आगे बढ़ेंगे और 20 जुलाई में सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा वो मैं आज आपसे बात करूंगा। सिंह राशि वालों, ईमानदारी से काम लेना कल, और बारीकियों पर, माइन्यूट थिंग्स पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और महत्वपूर्ण कार्य काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। अगर आप इसको टाल देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्थितियाँ आपकी अच्छी नहीं रहेंगी। कुछ कल काम ऐसे भी होंगे जो थोड़े से नीरस होंगे, लेकिन आपका मन नहीं लगेगा उन्हें करने में, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप इस काम को अगर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा ही रहेगा और आप जल्दी भी पूरा कर लेंगे। वहीं अगर स्वास्थ्य के बारे में बात करूँ तो कुछ सोच समझ कर काम करेंगे तो बेहतर रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डीप थिंकिंग में जाएंगे तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस आपका बढ़ेगा। तो व्यर्थ की चिंता और विचार आपको कल हो सकते हैं, और शाम तक आते आते तक ये प्रबल भी हो सकते हैं। तो खास तौर से सर में दर्द जैसी समस्या आपको कल हो सकती है, तो इसमें आपको योग और ध्यान अगर आप करेंगे या आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो बेटर आपको अच्छा देखने को, रिजल्ट उसका देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, थोड़ा सा स्ट्रेस मुझे दिखा रहा है। प्यार और मोहब्बत और संबंध की अगर हम बात कर लें तो कोई पुराने मित्र से मुलाकात, पुराने प्रेमी से मुलाकात आपकी कल हो सकती है, और दिन आपके लिए खास बन सकता है, और थोड़े से चीज़ें ऐसी बनती भी चल रही हैं कि थोड़े से बड़े फैसले आपको कल लेने पड़ सकते हैं। कुछ सेंटिमेंटल जो फैसले होते हैं वो आपके कल हावी आपके ऊपर रह सकते हैं। हालांकि मेरे को लगता है कि अभी काफ़ी समय जो है वो बचा है, आप उस समय को अगर सदुपयोग कर लें तो आपको काफ़ी अच्छा जीवन साथी मिल सकता है, और काफ़ी अच्छी जो गलतियां आपने पास्ट में की हैं उसको आप सुधार सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके कैरियर की। कैरियर में अगर आप संधि की स्थिति को रखेंगे और खुद की क्षमताओं को नज़रअंदाज करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे और अनियंत्रित महसूस करेंगे। आपको चाहिए कि आपको अपनी क्षमता का पूरा ज्ञान हो और अपने द्वारा किए गए कार्यों को आप बहुत ही अच्छे से अमली जामा पहना पाएं। इससे ना केवल आपके संबंध बेहतर होंगे बल्कि आपकी कार्य प्रणाली में भी काफ़ी सुधार आता हुआ आपको दिखेगा। कुल मिलाकर दिन आपके लिए बेहतर हो सकता है अगर आप अपने ऊपर विश्वास कर चलें। अब बात कर लेते हैं हम लोग कन्या की, कि कन्या वालों आपका कैसा रहेगा 20 जुलाई का दिन। देखिए बहुत लंबा हो रहा है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में हो रहा है क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोगों ने कमेंट्स किए थे कि डिटेल में बताइए। तो ठीक है, डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपको। बस आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। कन्या राशि वालों, कुछ व्यर्थ के उलझनों में फंस सकते हो आप कल, और इसका
सबसे बढ़िया ये है कि आप अपने काम से काम रखोगे तो दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आप ना हो, व्यर्थ की परेशानियों से आपको बच जाना है। यही आपके लिए कल का दिन काफ़ी आपको दिखा रहा है। आपको सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और किसी भी तरह के की ज़्यादा टेंशन आपको नहीं करनी है। वहीं अगर मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में कल बात करूं, तो अपने किसी करीबी या बिल्कुल अजनबी से कोई स्वास्थ्य संबंधी अच्छी सलाह आपको प्राप्त कल हो सकती है। अगर आप इस सलाह पर ध्यान दें तो आपको फ़ायदा भी हो सकता है। आज का दिन आराम करने के लिए और कई दिन इकट्ठे हो चुके हैं और तनाव से छुटकारा पाने के लिए उपयुक्त रह सकता है। आपको इस समय का फ़ायदा उठाना चाहिए। वहीं अगर आपके प्यार और मोहब्बत के बारे में बात करूं, तो आज एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जिसमें प्यार की प्रतिबद्धता यानी कि प्रतिबद्धता की आपकी शक्ति का प्रवेक्षण हो सके। आपको अपने मन में ये ध्यान रखना होगा कि आपके साथी आप पर पूर्ण विश्वास करता है और आपकी प्रेम की परीक्षा में आपका परीक्षा वो ले सकता है। आपके संबंध काफ़ी अच्छे होते हुए दिखाई देंगे, आपको दया और सहानुभूति मिलेगी, लेकिन आपको हर चीज़ का डटकर सामना करना होगा। कन्या राशि वालों, अब बात करेंगे आपके कैरियर और धन राशि की, तो आपको अच्छे अवसर अच्छी अपॉर्चुनिटी कल आपको मिल सकती है और उसको पकड़ने में आपको संकोच भी नहीं करना है। अत्यधिक विलंब इस चीज़ को आपको गंवा सकता है, धन रूपी अवसर आप खो सकते हैं। कुल मिलाकर दिन को अगर देखूं तो दिन आपके लिए ठीक है, बट यह है कि प्यार और मोहब्बत में आपकी कुछ परीक्षा कल हो सकती है। दोस्तों आगे पढ़ूंगा, बात करूंगा तुला राशि की, तो दिन की शुरुआत किसी अच्छी खबर से आपकी हो सकती है। दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा कल बन सकता है और जो बहुत दिनों से आप किसी योजना पर कार्य कर रहे थे वह आज फलीभूत हो सकती है। वहीं सहकर्मियों के साथ कहीं बाहर जाना भी हो सकता है जिससे आपको काफ़ी अच्छा महसूस होता हुआ दिखाई देगा। तुला राशि वालों, अगर आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करूं तो कुछ मेंटल स्ट्रेस आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए कई बार हो सकता है कि आपको आवेश आए, गुस्सा आए और आपको चाहिए कि आप इसका समाधान जल्दी खोज लें। कैरियर संबंधी कुछ बदलाव भी आपको करने चाहिए, ना कि सारे तनाव आप खुद पे लें। आपको टीम वर्क में विश्वास करना होगा। अगर आप टीम वर्क में विश्वास करेंगे तो आप काफ़ी अच्छा कुछ कर सकते हैं। सुपाच्य भोजन कीजिएगा, नहीं तो गैस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वहीं अगर आपके प्यार और मोहब्बत की बात करूं, तो रिश्ते काफ़ी व्यवस्थित होते हुए दिखाई दे रहे हैं और दिन काफ़ी सर्वोत्तम आपके ऊपर जा रहा है। आपके परिवार के मध्य आप अपनी बातों को व्यक्त कर पा रहे हैं और आपके ग्रहों की स्थिति के कारण आप सकारात्मक ऊर्जा का संचार आप कर पा रहे हैं, जिसका आपके परिवार पर भी असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दी ही घर में कोई बढ़िया जश्न का माहौल आपको बन सकता है। वहीं तुला राशि वालों, अगर मैं आपके कैरियर के बारे में बात करूं, तो शेयर बाजार में निवेश करने के लिए उत्तम है, परंतु निवेश करते समय किसी एक्सपर्ट की सलाह आप ले लें। अगर आप वाहन, दवाइयाँ और सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में निवेश करना चाहते हैं तो आपको कल फायदा हो सकता है। यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने निवेश को दोबारा परख लें और जहाँ ज़रूरी हो वहाँ अपने बदलाव करें, मॉडिफिकेशंस करें और लाभ की सीमा बढ़ाएं। आपको दिन काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिखाई मुझे दे रहा है, जिससे स्थिति लाभ की आपकी बनती भी दिखाई मुझे दे रही है। दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले फिर आपको याद दिला दूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और देख कर ज़रूर जाइएगा कि किस तरह से आज हमने अपना राशिफल बनाया है। बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की, कर्म में आप और विश्वास में आप बहुत विश्वास रखते हो और आपको इसके फल कल आपको देखने को मिलेंगे। आप दूसरों की तकलीफ को समझते हो और आगे बढ़कर उनका नेतृत्व करने की, लीडरशिप करने की आपकी कोशिश भी रहती है और आप उसमें सफल भी रहते हो। लेकिन ये चीज़ अच्छी है, लेकिन आपको अपने कामों को बिल्कुल भी पेंडिंग में कल नहीं करना है। अगर आप पेंडिंग में करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रॉब्लम में ला सकते हो। कोई आपसे मदद मांगेगा, कुछ छोटी मोटी यात्राएं भी आके योग भी आपके कल बनते हुए दिखाई मुझे दे रहे हैं। वहीं अगर स्वास्थ्य की बात करूं, तो स्वास्थ्य तो आपका अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। कुछ नए जो आयाम है जिंदगी में वो कुछ जुड़ेंगे। वहीं आपका जो संकल्प है वो काफी अच्छा दृढ़ होता हुआ दिखाई देगा। जिम के शौकीन आप लोग होते हो तो आप जिम की जो डाइट है उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत रहेगी और आपको चाहिए कि आप कुछ मानसिक
एक्सरसाइज यानी कि ध्यान इत्यादि पर भी आपको ध्यान देने चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कम रहेंगी, काफ़ी हद तक आप काफ़ी रिलैक्स यहां पर महसूस करोगे। अब बात कर लेते हैं आपकी प्यार और मोहब्बत की। सारी बातें आप तो को सीमित रखनी चाहिए, कुछ बातें ऐसी थी जो आपने अभी साझा नहीं करी हैं, तो आप अपने प्रीतम के साथ वो बातें साझा कर सकते हैं। कुछ रहस्य और डर का भली भांति आपको सामना करना होगा और आप साथी की बातों को साझा करने पर विश्वास आपको करना होगा और जिससे आपकी इस बातों का सराहना उनको आपको मिलेगी। कुंभ राशि की का चंद्रमा आपकी कुंडली में चमक बिखेर रहा है और एक दूसरे के साथ बात साझा करने के साथ आप रिश्ते काफ़ी आगे तक लेके जाएंगे। वहीं वृश्चिक राशि का कैरियर अगर आप देखूं तो भाग्यशाली दिन आपके लिए रहने वाला है। अगर पिछले दिनों किसी से धन उधार लिया था बल्कि मैं कहूंगा दिया था, तो आपको पैसे वापस मिल सकते हैं। वहीं अगर आप शेयर मार्केट में भी कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। छात्रों का कैरियर भी सही दिशा में आगे बढ़ेगा और अगर वो किसी प्रतियोगिता के उसमें बैठ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा वो परफॉर्म करते हुए दिखाई ज़रूर देंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं धनु राशि की। लंबा हो गया है थोड़ा सा, काफ़ी लंबा हो चला है। धनु राशि की बात कर लेते हैं तो आपको कल काफ़ी अच्छी प्रशंसा मिलती हुई दिखाई देगी। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत गजब की होगी, लोग आपकी बातों को बहुत सीरियसली लेंगे और कहीं ना कहीं आप भी अच्छा परफॉर्म करते हुए कल दिखाई देंगे। आपको खूब प्रशंसा मिलेगी, कुछ नए दोस्त बनेंगे जो आगे चलकर कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा धन लाभ भी दे सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करूं तो सेहत आपके लिए अच्छी रहेगी और कुछ समय से प्रियजन की सेहत के लिए जो आप चिंतित थे उससे भी आपको राहत की खबर मिलती हुई दिखाई देगी। कोई करीबी लंबे समय तक समस्या से जूझ रहा था तो आज उसका भी कोई समाधान आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपके प्यार और संबंध की अगर बात करूं तो आप भावुक हैं और बहुत ज़्यादा प्रेम में डूबे हुए हैं। आप अपने साथी के साथ एक ही बहुत गहन अनुभव कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ आनंद में हैं। आज का दिन एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान देने का है। हर रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कुछ समय देना पड़ सकता है ताकि वह अच्छे तरीके से फूले फले। ऐसा करने से स्थितियां, कोई अगर विपरीत स्थितियां होती हैं तो वो ख़त्म भी हो जाती हैं। कुल मिलाकर दिन लव मैटर्स के लिए अच्छा है। वहीं अगर कैरियर के बारे में बात करूं तो आपके क्षेत्र आप अपने क्षेत्र में अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वित्तीय जरूरतों के लिए काफ़ी संतोषजनक स्थितियां आपकी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि कार्यालय में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको आपके काम से थोड़ा सा ईर्ष्या रखते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आप उन सब बातों को भूलकर आपको आगे बढ़ना है। कुल मिलाकर दिन आपके पक्ष में है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को और समझने को दोस्तों मिलेगा। मकर राशि की बात हम कर लेते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से आप कुछ बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे और जो गलतियां आपसे हुई हैं पास्ट में वो आप उनको भुलाकर आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर थोड़ा सा मैं कहूँ, अगर आप किसी बच्चे की मदद यहाँ पर कर पाएँ तो बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के बारे में बात करूं तो कुछ हैवी वेट होने की वजह से थोड़ा सा वजन को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। हालांकि कुछ सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। संतुलित भोजन और एक्सरसाइज और स्वास्थ्य से के कार्यक्रम अगर आप करें, थोड़ा डाइट पर अगर आप ध्यान दें तो स्थिति आपकी काफ़ी सुदृढ़ मैं कहूँगा कि होती हुई आपकी दिखाई ज़रूर देगी। सफलता आपके कदमों में है बट आपको थोड़ा सा आलस्य का त्याग जो है करना होगा। मकर वालों आपके प्यार और मोहब्बत की बात करूं, घर परिवार की अगर बात करूं तो दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी रहेगी। निजी संबंधों में और पार्टनर की खुशी आपकी रौनक बिखेरेगी। वहीं निजी संबंधों में कुछ मुश्किल दौर भी आपको देखना पड़ेगा और आपको पार्टनर के साथ घूमना फिरना जाना आनंद ले सकते हैं। आप एक कपल के रूप में खुद पर एक साथ हंसने की सारी चिंताएँ आपकी गायब हो जाएंगी। तो लव मैटर्स के लिए दिन काफ़ी अच्छा है। दोस्तों बात कर लेते हैं आपके कैरियर की तो आपको चाहिए कि आप अपने कैरियर के प्रति सजग रहें, जागरूक रहें क्योंकि विरोधी कल कुछ परेशान आपको करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको चाहिए कि आप अपने तरीकों में थोड़ा सा बेहतर लाएं और चिंताओं को अपने सर पे ना बिठाएं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। जो आपके विपक्ष में हैं उनसे ज़्यादा आपको उलझना नहीं है और अपनी गलतियाँ अगर आपकी हैं तो उन गलतियों को भुला के आपको आगे बढ़कर कार्य करने की
जरूरत आपको रहने वाली है। तो दोस्तों अब बात करेंगे कुंभ राशि की। आपको काफी ज्यादा काम आज करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं किस्मत के भरोसे आपको काम नहीं करना है, आपको अपने हाथों से काम करना है, अपने ऊपर विश्वास करके काम करना है। हालांकि दिन के अंत में काफी अच्छी खबर आपको देखने को मिलेगी, आपके प्रयासों में सफलता आपको मिलेगी। वहीं स्वास्थ्य आपको थोड़ी बहुत समस्याएं आपको दे सकता है और चिंता सबसे बड़ी प्रॉब्लम कल आपकी रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं स्थितियां जो ऐसी हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, अपने ऊपर माइंड के ऊपर आपने बहुत सारी चिंताओं की रेखाएं आपने बना ली हैं, तो उससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आपको अपने माइंड को, चाहे आप गाने सुनकर करें, चाहे आप ध्यान लगा कर करें, आप जो भी करें, लेकिन अपने माइंड को शांत करने की ज़रूरत है, तभी आप बहुत अच्छे से कार्य कर पाएंगे। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह आप ले लीजिएगा। कुंभ राशि वालों, आपके प्यार और मोहब्बत की बात करूं तो आप दूसरों की बात सुनने को तैयार हैं और आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिलेंगे जो ज़िंदगी भर आपको काफ़ी अच्छी सलाह दे सकता है, अब वो आपके आसपास ही है। प्यार के बारे में बहुत सारी ज्ञान आपको देगा, लेकिन आपकी किस्मत भी अच्छी है, इसके साथ आपका रिश्ता आगे चल तक बनता हुआ दिखाई देगा। दिल कुल मिलाकर प्यार मोहब्बत के लिए काफ़ी अच्छा है, आप कल अपना सोलमेट भी पा सकते हैं। कुंभ राशि वालों, आपके बारे में, आप कैरियर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि थोड़ा सा आपको संभल कर चलने का दिन है, विरोधी कुछ एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको चाहिए कि आप अपनी चीज़ों को बहुत संभाल कर देखभाल कर चलाएं, जिससे किसी भी तरीके की समस्या आपको ना आए और किसी से ज़्यादा उलझने की ज़रूरत आपको नहीं है। कुल मिलाकर कैरियर के मामले में दिन थोड़ा सा कहूँगा कि 50-50 की स्थिति दिखा रहा है। अब आ गए हम अपनी लास्ट राशि पर कि लास्ट राशि हमारी कैसी परफॉर्म कर रही है। दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी, बाद में थोड़े से व्यस्त होते हुए दिखाई देंगे, घर में किसी की स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको होती हुई दिखाई देंगी। वहीं व्यस्त कार्यक्रमों के चलते समय निकालना थोड़ा सा कठिन होगा, आपको सहकर्मियों और दोस्तों से खुशी मिलती हुई दिखाई देगी और आने वाले समय के लिए कुछ नई योजनाएं बनाते हुए आप दिखाई देंगे। आप किसी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से भी पिछले दिनों से प्रॉब्लम में चल रहे थे, बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के आपके, तो आप स्पष्ट रूप से सोचकर फैसला लेने का दिन है। आपने जो काम आम जिन कामों से बच रहे थे, आप उनके ऊपर फैसला करने का दिन है और आपका मेंटल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है, आप उनके ऊपर काम कर सकते हैं। वहीं सेहत की थोड़ी सी अगर इसी में बात करूं तो आपकी सेहत की तरफ आपको अपना थोड़ा सा ध्यान आपको देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा एसिडिटी की प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी कल होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको चाहिए कि आप इन्हें नज़रअंदाज ना करें, अगर आपको प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ रही हैं तो आप डॉक्टरी जाँच उसकी ज़रूर करा लें। वहीं मीन राशि वालों, अगर आपके प्यार और मोहब्बत की बात करूँ, रिश्तों के लिए सुनहरा नियम आपको रहेगा, अच्छा दिन आपके लिए रहेगा, दिल की आवाज़ आपको सुननी चाहिए और आप अगर आप किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं तो आप वहाँ प्रपोज कर सकते हैं। आपके आसपास के लोग आपके साथी के चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि आप भी उनसे उलझ रहे हैं, कुछ आप अपनी बात को दूसरों के थ्रू कहना चाहते हैं, इससे बात बनने वाली नहीं है। आपको चाहिए कि आप अपने दिल की आवाज़ सुने और उनसे सीधी जाकर बात करें। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये सब जनरलाइज्ड होता है, आपकी कुंडली पर क्या असर है वो आपकी कुंडली देखकर बताया जा सकता है। वहीं आपके कैरियर और राशि की अगर बात कर लूं तो काफ़ी अच्छा दिन रहेगा, जिम्मेदारी से काम करेंगे आप, हालांकि सर में थोड़ा सा दर्द होने की वजह से काम उतना नहीं कर पाएंगे जितना आप कर रहे थे, लेकिन कुछ नई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वेतन के वृद्धि में भी थोड़ी सी यहाँ पर स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है और ईमानदारी से काम जो आप कर रहे हैं उससे काफ़ी स्थिति आपकी सुधरती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये हुआ एक 12 राशियों का राशिफल जो था बहुत ही बड़ा। आपको कैसा लगा, इस तरह का राशिफल मैं आगे और बनाऊं या इसे थोड़ा और छोटा करूं या इसे और बड़ा करूं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप मुझे बताना कॉमेंट करके कि किस तरह से और आपको देखना चाहते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ कि आपकी सभी क्वेरीज का आंसर आपको मिल गया होगा। इसी तरह से आपको और भी राशिफल मैं देता रहूंगा। देखने के लिए धन्यवाद, इस तरह मेरे साथ बने रहिएगा। मैं हूं अभिषेक और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। देखने के लिए धन्यवाद।